Hello everyone, namaskar. I hope you all doing well. Today, on the request of some viewers, there is small introduction about the analytical balance, including the users, qualification and requirements of 21 CFR Part 11. Welcome to all. Myself Hema Sharma. I have 15 years experience in pharmaceutical industry. We are going to discuss about the analytical balance, handling and required qualification. As per requests of some viewer, we are discussed in Hindi also. What is in this video? Number one, what is the analytical balance? Number two, measure guidelines. Number three, requirements. And number four, qualification. What is the analytical balance? Analytical balance is the balance for weighing the substance or the material used for the analysis and direct or indirect impact the quality of the product or the material. जैसा कि हम सब जानते हैं कि analytical balance use होता है analytical lab में, आपकी pharmaceutical QC lab में, जहाँ पर आप product की quality define करते हो और उसके लिए आपको weigh करना पड़ता है अपनी testing के लिए, और weigh करने के लिए आपको एक सुटेबल बैलेंस की ज़रूरत होती है. तो एनालिटिकल बैलेंस वहाँ यूज होता है जहाँ पर आपको मिनिमम वेट लेना पड़ता है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखने के लिए. अब मेजर गाइडलाइंस क्या क्या है? यूएसपी जनरल चैप्टर 41 जो सिर्फ बैलेंसेस के लिए बात करता है, चाहे वो एनालिटिकल हो या कोई और बैलेंस हो. सेकेंड, यूएसपी जनरल चैप्टर 1251 जो वेइंग ऑन एनालिटिकल बैलेंस के लिए गाइडेंस देता है. यूरोपियन क्वालिटी मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स जो क्वालिफिकेशन ऑफ बैलेंस के बारे में बताता है. यहाँ पर हम आराम से देख सकते हैं कि इस गाइडलाइन में क्या लिखा है. द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल मैन्युफैक्चरर्स, अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस जिसका रेजोल्यूशन 0.1 माइक्रोग्राम हो, माइक्रो बैलेंस 1 माइक्रोग्राम हो, सेमी माइक्रो बैलेंस 0.01 mg हो, एनालिटिकल बैलेंस 0.1 mg, प्रिसीजन बैलेंस 100 टू 1 mg एंड टेक्निकल बैलेंस 1 ग्राम टू 0.1 ग्राम. नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? व्हेन सबस्टांस मस्ट बी एक्यूरेटली वेटेड, द वेइंग शैल बी परफॉर्म यूजिंग ए बैलेंस दैट इज कैलिब्रेट ओवर द ऑपरेटिंग रेंज एंड मीट द रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड फॉर द रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी. जब भी हमें ये बोला जाता है कि हमें एक्यूरेटली वेट करना है, तो हमें एक ऐसे बैलेंस के ऊपर अपना वेट करना है जहाँ पर हम जो वेट ले रहे हैं वो उस बैलेंस की ऑपरेटिंग रेंज के अंदर हो. और ऑपरेटिंग रेंज बैलेंस की कैसे डिफाइंड होती है? ऑन द बेसिस ऑफ टू पैरामीटर बेसिकली, एक रिपीटेबिलिटी और सेकेंड एक्यूरेसी. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिपीटेबिलिटी? Repeatability is assessed by weighing one test weight not less than 10 times. The test weight must be within the balance operating range, but the weight need not to be calibrated. Because the standard deviation is virtually independent of sample mass within the balance capacity, use of small test weight which may be difficult to handle is not required. Means मुझे एक ऐसा weight लेना है जिसे मुझे कम से भी कम 10 बार weight लेकर observe करना है repeatability test के लिए. अब जो मुझे वेट लेना है, पहली चीज वो उस बैलेंस की ऑपरेटिंग रेंज के अंदर होना चाहिए. हाँ, वो कैलिब्रेटेड है या नहीं वो एक अलग बात है. ऐसा इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपके मास पर डिपेंड करता है, उस मास पर डिपेंड करता है जो आपने लिया है. इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बहुत ही स्मॉल वेट ले लेंगे जिसे हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होगा. तो यूएसपी क्लियरली कह रही है कि आपको कोई भी ऐसा छोटा वेट नहीं लेना है जिसको आपको हैंडल करने में डिफिकल्टी हो. आपको बस एक ऐसा वेट लेना है जिसे आप हैंडल भी कर सको और जो बैलेंस की ऑपरेटिंग रेंज के अंदर हो. रिपीटेबिलिटी इज सेटिस्फैक्ट्री इफ द ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय द डिजायर्ड स्मॉलेस्ट नेट वेट does not exceed 0.10%. means repeatability कब आपकी satisfactory होगी? जब आपने ये जो 10 values ली हैं उनसे जो standard deviation आपका निकल कर आया है उसको multiply करेंगे 2 से, then divide करेंगे smallest desired weight से, multiply by 100 because of percentage, और उसकी value 0.10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.
यहाँ पर एक नई चीज और निकल कर आई, दैट इज द स्मॉलेस्ट नेट वेट। तो स्मॉलेस्ट नेट वेट वो वेट है जो यूजर प्लान करता है कि मैं अपने बैलेंस पर इतना छोटा वेट ले सकता हूँ और उसके बाद में बैलेंस पर इससे छोटा वेट नहीं लूंगा। द रिपीटेबिलिटी मेजरमेंट एस्टेब्लिश द स्मॉलेस्ट नेट अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट मे बी वेटेड ऑन द बैलेंस इन कंफर्मेंस विद द 0.10% लिमिट। अगर हम 0.01% वाली लिमिट की बात करते हैं रिपीटेबिलिटी के लिए, तो उसी रिपीटेबिलिटी टेस्ट से हम लोग अपना डिजायर्ड स्मॉलेस्ट वेट भी निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले रिपीटेबिलिटी को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। मैंने 1 ग्राम का वेट लिया है और उसे 10 बार वे किया है और ये मेरी हर बार की वैल्यू है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट एंड नाइन, आई गॉट द मीन एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे मिल चुका है, अब क्या करना है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई 2 से करना है, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट डिजायर वेट करना है और हैंडेड करना है। वही मैंने किया, दिस इज द वैल्यू 0.000008 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हैंडेड डिवाइड बाय मेरा डिजायर स्मॉलेस्ट वेट। अगर 20 mg है तो मैंने 20 mg से इसको डिवाइड कर दिया है और मुझे मिला है 0.0008 जो कि 0.10% से कम है, तो मेरा रिपीटेबिलिटी टेस्ट सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है। बट यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर देन 0.1 डी, अगर 0.1 डी से ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है तो मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ। अब ये क्या है 0.41 डी, 0.41 तो है ही एक न्यूमेरिकल वैल्यू, डी क्या है, डी इज द लीस्ट काउंट ऑफ द बैलेंस, उस बैलेंस का लीस्ट काउंट है। तो अगर 0.41 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ दैट बैलेंस की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा है तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इसके बराबर आती है या कम आती है 0.41 डी से, तब रिपीटेबिलिटी वाला जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह हमें 0.41 डी लिखना पड़ेगा और फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रिपीटेबिलिटी निकालने के लिए। राइट नाउ अब स्मॉलेस्ट डिजायर्ड वेट के बारे में भी जाना हमने, तो अब देख लेते हैं कि इसे कैसे निकालना है। द रिपीटेबिलिटी मेजरमेंट एस्टैब्लिश द स्मॉलेस्ट नेट अमाउंट ऑफ द मटेरियल दैट मे बी वेटेड ऑन द बैलेंस इन द कंफर्मेंस विद द 0.10% लिमिट। द मिनिमम वेट इज डिस्क्राइब बाय द इक्विजिशन एम मिनिमम मोर देन इज इक्वल टू 2000s, मतलब आपका मिनिमम वेट 2000 इंटू एस के बराबर होना चाहिए, एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो यूएसपी ने दिए हैं वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ एस इज फाउंड टू बी 0.00015, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये मिलती है देन एम मिनिमम मस्ट भी कितना होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई बाय 2000 तो कितना निकल कर आएगा 0.30000 ग्राम, जिसको एमजी में चेंज करेंगे तो 300 mg आएगा। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन एस, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेस देन 0.41 डी, वेयर डी इज द स्केल इंटरवल और लीस्ट काउंट, तब हमारी इक्विजिशन क्या बन जाएगी, एम मिनिमम मोर देन इज इक्वल टू 2000 इंटू 0.41 डी। एग्जाम्पल के लिए फोर पैलेस प्लेस का आपका एनालिटिकल बैलेंस है तो डी की वैल्यू होगी 0.0001, सो एम मिनिमम मस्ट बी, अब 0.001 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.41 डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, मतलब 2000 इंटू 0.41 डी करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 0.0820 ग्राम, तो 82 mg हमारा यहाँ पर मिनिमम वेट हो जाएगा। राइट अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, हमने ये एग्जाम्पल लिया था अभी रिपीटेबिलिटी को समझने के लिए। तो हमारा सबसे पहले चेक कर लेते हैं भैया लीस्ट काउंट कितना है इस बैलेंस का। अब मैंने देखा यहाँ तो 5 डिजिट निकल कर आ रहे हैं पॉइंट के बाद, तो मेरा लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.00001 हो गया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.41 डी की 0.0000041, और मुझे ऑब्जर्व कितना हो स्टैंडर्ड डेविएशन 0.00008, मींस मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है 0.41 डी की वैल्यू से। लाइक तो मेरे फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2000 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी, तो 2000 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन दिस वन कितना
कितना आएगा 0.016 ग्राम यानी 16 mg वैल्यू आएगी। अगर यही वैल्यू कम होती स्टैंडर्ड डेविएशन की तो मां यहां पे 2000 × 0.41d लिखा हुआ होता, तब मेरी कुछ और वैल्यू निकल कर आती। तो यहां पर मेरी 16 वैल्यू निकल कर आई, 10 20 mg विल बी द मिनिमम अलाउबल वेट ऑफ दिस बैलेंस। तो 20 mg का वेट मैं ले सकती हूं, बना सकती हूं अपना डिजायर स्मॉलेस्ट वेट। नेक्स्ट, ये तो हमने रिपीटेबिलिटी भी समझ ली और मिनिमम वेट के बारे में भी समझ लिया। अब आते हैं एक्यूरेसी क्या होती है। अब एक्यूरेसी को हमें चेक करना है कैसे। द एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस इज सेटिस्फैक्ट्री इफ इट्स वेइंग वैल्यू व्हेन टेस्टेड विद अ सुटेबल वेट्स इज विद इन द 0.10% ऑफ टेस्ट वेट वैल्यू। ए टेस्ट वेट इज सुटेबल इफ इट हैज ए मास बिटवीन 5% and 100% of the balance capacity, the test weight's maximum permissible error or alternatively its calibration uncertainty shall be not more than 1/3 of the applied test limit of the accuracy test. Accuracy test check करने के लिए जो भी मेरे पास balance है उसकी capacity का 5% से लेके 100% तक के weight को मुझे use करना है। Means 5% से नीचे वाले weight मुझे accuracy test में लेने ही नहीं है क्योंकि वो कभी सही नहीं आएंगे। अब accuracy test करना कैसे है, जो मेरा tested weight मुझे देखना है वो certified होके आएगा किसी agency से, वो जो एजेंसी से सर्टिफाइड होकर आया है उसका मुझे प्लस माइनस 0.10% वैल्यू निकाल लेनी है और ये जो ऑब्जर्व कर रही हूँ अपना वेट अपने बैलेंस के ऊपर उसका उसी लिमिट के अंदर वेट आना चाहिए। तो देखते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। मेरी स्टैंडर्ड वेट है 1 2 3 4 5 6 7 और ये इनकी वैल्यू है 0.5, 1 ग्राम, 2, 20, 50, 100 एंड 200 एंड दीज आर द आईडीज। ये उनकी आईडीज हैं और ये स्टैंडर्ड वेट्स हैं, ये सर्टिफाइड वेट्स हैं। अब सर्टिफाइड वेट्स कैसे आते हैं, जैसा आपका वेट होगा F1, F2, M1, M2, E1, E2, ये अलग गाइडलाइंस में, उसे हम बाद में देखेंगे कभी और समझेंगे या फिर गाइडलाइन का लिंक आपको भेज दूंगी मैं। तो वहां से आपने आपके पास वेट आए, आपकी एजेंसी ने जिस भी एजेंसी से आपने अपने वेट को कैलिब्रेट किया उस एजेंसी ने आपको ये कैलिब्रेटेड वेट दिया, आपको सर्टिफिकेट दिया, उससे आपने ये वेट नोट किए। Then, आपने अपने वेट रखे अपने बैलेंस पर और चेक किया कि वहां पर क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इसका ये ऑब्जर्व हुआ, इसका ये हुआ। तो जो भी ऑब्जर्वेशन आ रही है वो किस लिमिट में आनी चाहिए, माइनस 1.0% टू प्लस 1.0% ऑफ दिस वन, सर्टिफाइड वेट का जो वेट है उसका माइनस 0.10% एंड प्लस 0.10% के बीच में आपको ये वेट ऑब्जर्व होने चाहिए, तो आपका एक्यूरेसी टेस्ट फुलफिल हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। तो दीज मिनिमम टू रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। भाई क्वालिफिकेशन के बारे में हम पहले एक वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपको क्या क्या लगता है मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो आप उस वीडियो को भी कंसल्ट कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। यहाँ बैलेंस में आपको URS बनाना है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन बनाना है। अब URS क्या है, भाई मेरा बैलेंस इतने से इतने रेंज तक वेट करना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक मेरी वैल्यू आनी चाहिए और USP के 41 वाले चैप्टर को फुलफिल करना चाहिए। फंक्शन स्पेसिफिकेशंस में आप लिख सकते हैं कि भाई मेरे को यूज़र आईडी मैनेजमेंट चाहिए, मुझे ऑडिट ट्रायल्स देखना है, मुझे पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसीज भी चाहिए, मुझे सर्वर पर डाटा भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपकी फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस में आती हैं। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन आपको वेंडर बनाकर देगा जिसे आप फुलफिल करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, देन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अब द बैलेंस परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द फैसिलिटी वेयर इट इज इंस्टॉल, एनालिसिस शुड कंसल्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर बिफोर द इंस्टॉल्ड बैलेंस। तो आप जब भी बैलेंस को इंस्टॉल करना है आपको मैन्युफैक्चरर को कंसर्न करना है कि आपको कैसा एनवायरमेंट हमें ला के देना है, ठीक है। अब देखते हैं सपोर्ट सर्विस क्या होती है। द बैलेंस शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन ए सॉलिड लेवल नॉन मैग्नेटिक सर्फेस दैट मिनिमाइज द ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन। Example, floor mounted granite weight bench. If a metallical support surface is used, the surface should be grounded in order to prevent the buildup of static electricity.
भाई सरफेस तो हमें सॉलिड लेवल पे चाहिए, जहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक सरफेस ना हो, ऐसा ना हो मैग्नेटिक ट्रांसमिशन ना हो, वाइब्रेशन ना हो। तो इसके लिए क्या होता है, फ्लोर माउंटेड होता है या ग्रेनाइट की बेंच बनाई जाती है। और जहाँ पर मेटेलिकल सपोर्ट का सरफेस होता है, वहाँ पर हमें ऐसे ग्राउंडेड करना पड़ता है उस सरफेस को कि कोई भी स्टैटिकल इलेक्ट्रिकल चार्ज वहाँ पर जनरेट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, बैलेंस के लिए कैसी लोकेशन होनी चाहिए। नंबर एक, इफ पॉसिबल द बैलेंस शुड बी लोकेटेड इन अ रूम दैट इज द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड। द लोकेशन शुड बी क्लीन एंड कंसिस्ट इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। द लोकेशन शुड बी फ्री ऑफ ड्रिफ्ट एंड शुड नॉट बी नियर द ओवन, फर्नेस, एयर कंडीशनर, डक और कूलिंग फैन फ्रॉम द इक्विपमेंट और द कंप्यूटर। मीन्स भैया टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी तो कंट्रोल होनी चाहिए जहाँ भी आप बैलेंस रख रहे हैं, क्योंकि आपका एनवायरमेंट आपके बैलेंस की परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। तो ये तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको उस एरिया की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी जहाँ आपका बैलेंस है। कैसे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी देखकर। द लोकेशन, जो भी आपने लोकेशन डिफाइन की है क्लीन होनी चाहिए और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रॉ पावर पर अपना ये सोफिस्टिकेटेड बैलेंस लगा दिया, यूपीएस सप्लाई रहनी चाहिए ताकि वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट पर रहे। जो भी लोकेशन है वो आपकी फर्नेस, ओवन, एयर कंडीशनिंग, कूलिंग फैन, इन सब चीज़ों से, कंप्यूटर से अलग रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, द बैलेंस शुड बी पोजिशन्ड अवे फ्रॉम द आउटसाइड द विंडो सो दैट द डायरेक्ट सनलाइट डज नॉट स्ट्राइक द बैलेंस। बैलेंस शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड नियर द सोर्सेज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और द हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस इंक्लूडिंग कोर्डलेस टेलीफोन, सेलुलर फोन एंड वॉकिंग टॉकिंग एक्सेट्रा। द बैलेंस शुड नॉट बी लोकेटेड नियर द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय द लेबॉरिटी। मीन्स सनलाइट भैया जहाँ आ रही हो वहाँ पर आपको अपना बैलेंस नहीं रखना है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेड से दूर रखना है। यानी कि आप मोबाइल भी वहीं पर लेकर घूम रहे हैं, उसके साथ बैलेंस पे काम भी कर रहे हैं, सेलुलर फोन भी नहीं होना चाहिए, कोई वॉकी टॉकी नहीं होनी चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सोफिस्टिकेट बैलेंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट नहीं होना चाहिए। Now, operation qualification. An operation qualification should be performed either by the user or by the qualified third-party vendor of the equipment has been installed. As a minimum, the power should be turned on and the balance should be allowed to equilibrate according to manufactured instruction 1 to 24 hour, depending upon the type of the balance before use. मीन्स आपका जो बैलेंस है यूज़ होने से पहले एक इक्विलिब्रियम स्टेट मांगता है। मैन्युफैक्चरर अक्सर रिकमेंडेड करते हैं कि आपको कुछ भी काम करने से पहले उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर उसे इक्विलिब्रियम लेवल पर आने देना चाहिए। जैसे कि एनालिटिकल बैलेंस में एटलीस्ट 1 आवर तक पावर सप्लाई देने के बाद हमें उसे छोड़ना चाहिए इक्विलिब्रियम स्टेट पर आने के लिए। इवन माइक्रो बैलेंस है तो उसको 24 आवर तक रखना पड़ता है। Depending upon the balance, analyst should be include the following procedure for operation qualification. तो operation qualification के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, mechanical mobility of all movable parts, control of stable indication, manually triggered or automatic adjustment by means of build of weights, operation of ancillary equipment, tear function, initial calibration. तो ये सब चीज़ें हमें करनी है। Now several type of electric analytical balance use built-in weights for the manually triggered or the automatic adjustment. This adjustment usually applied to reduce the drift of the balance over time and the compensate of drifts caused by the vibrations in the ambient temperature. Calibration is normally performed as a part of operation qualification, but it also can be performed periodically thereafter. Calibration should be performed at the location where the balance is used in the normal operation. आपको ऑपरेशन क्वालिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, एक तो एडजस्टमेंट आपको करके रखना है, बैलेंस करना है, आपका बबल पॉइंट एकदम बीच में होना चाहिए ताकि वो एकदम बैलेंस्ड का एक सरफेस पर रहे। ओके, लाइक और आपको उसमें एक ऑप्शन होता है इंटरनल कैलिब्रेशन का। उस इंटरनल कैलिब्रेशन से जो भी उसमें लोड इंटरनल बिल्ड हैं वो अपने इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, वो आपको इसमें करना पड़ता है ताकि जो भी एम्बिएंट टेम्परेचर्स के वाइब्रेशंस हैं या वेरिएशंस हो रहे हैं वो सब वो इक्विलिब्रेट कर सके। कुछ कैलिब्रेशंस होते हैं वो आपको ऑपरेशन कैलिब्रेशन में करके देखने होते हैं। वैसे कैलिब्रेशन आपको डेली करना है, वेरिफिकेशन आपको डेली करना होता है यूज़ करने से पहले, पर ऑपरेशन क्वालिफिकेशन में आपको उसको यूज कर चेक करना होता है। दिस इज द पार्ट
part of operational qualification. Now, performance qualification. The most important balance property that should be assessed during the performance qualification are mentioned below. So, performance qualification check करने के लिए चार चीजें जानना बहुत जरूरी होती है. मतलब आपका balance ये चार चीजों को fulfill कर लेना चाहिए. Sensitivity, linearity, eccentricity and repeatability. Depending upon the risks of the application and the required weighing process tolerance, some of these tests may be omitted. Any processor used should be consistent with the in-house standard operating procedure applicable for the specific balance and adequately justified. आप इन टेस्ट को रिप्लेस भी कर सकते हो, पर आपको कुछ ऐसे टेस्ट वहाँ रखने ही पड़ेंगे, इन-हाउस टेस्ट ऐसे रखने पड़ेंगे जो एटलीस्ट इन चार जो टेस्ट है उनके पर्पस को भी फुलफिल कर सके. Now, first of all, sensitivity. Sensitivity very important test होता है performance qualification में. जैसे हम already दो weight use कर चुके थे ऊपर, तो हैं हमने दो weight लिए हैं W1 और W7, जिनको 0.05 gram का and 200 gram का, ये इनकी weight आई ली है, ये इनके certificate weights हैं and observed weight हमारे ये हैं. तो हम इनका deviation देखेंगे. Certified weight से हमें जो ऑब्जर्व हो रहा है वो वेट पे कितना डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को कैसे निकालेंगे जिससे सेंसिटिविटी निकल जाए. सेंसिटिविटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वेट माइनस ऑब्जर्व वेट इनटू 100 अपॉन स्टैंडर्ड वेट. तो इससे हमें एक डेविएशन पता चलेगा और इस डेविएशन की वैल्यू लेस देन 0.05% होनी चाहिए तो हमारा बैलेंस सेंसिटिविटी टेस्ट को सेटिस्फैक्ट्री कर देगा. नेक्स्ट लीनियरिटी. What is the linearity? The ability of the balance to follow their linear relationship between a load and indicate weighing value. Non-linear usually is expressed as the largest magnitude of any linearity deviation between the test interval. जो test interval के बीच में जो magnitudes है वो अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपका non-linear है. Linear means आपने जो चीज़ रखी जो weight रखा वो उतना ही weight दिखा रहा है. ऐसा नहीं कि आपने 1 gram का weight दिखा रहा है और वो 950 mg दिखा रहा है. तो that is not linearity. तो linearity कैसे आप define करेंगे balance में? वही हमारे weight ले लेंगे हम, जो हमें weight लेने हैं, ये हमारे standard weights हैं और ये हमारे observed weight हैं. जो भी ऑब्जर्व वेट है हमारे वो स्टैंडर्ड वेट से डेविएट नहीं होनी चाहिए 0.05% से. वो डेविएशन कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड वेट माइनस ऑब्जर्व वैल्यू इनटू 100 अपॉन स्टैंडर्ड वेट. वो कोई भी वेट हमारा 0.05% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और अगर हम इसमें लीनियरिटी चेक करेंगे तो एटलीस्ट आप वो भी लिख सकते हैं कि वो 0.999 से कम नहीं होनी चाहिए. तो आपको उससे भी लिनियरिटी आप डिफाइन कर सकते हैं इन हाउस लगा के. बट ये जो वैल्यू है 0.05 की वो फुलफिल होनी चाहिए लिनियरिटी टेस्ट को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फैक्ट्री करने के लिए. नाउ सेंट्रिसिटी. डेविएशन इन द मेजरमेंट वैल्यू कॉज्ड बाय द सेंट्रिक लोडिंग. इन अदर वर्ड द असिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड रिलेटिव टू द लोड रिसीवर. Centricity usually is expressed as the largest magnitude of the any of the deviation between an off-center reading and the center reading of a given test. भाई बीच में तो मैं वैल्यू रख के अपना सैंपल रख के वेट ले रही हूँ, पर अगर मेरा सैंपल थोड़ा इधर उधर होता है तो एसेंट्रिसिटी क्या है? तो वो एसेंट्रिसिटी चेक करने के लिए मैं एक टेस्ट करूंगी जिसमें मैं बीच में एक सेंटर में अपना वेट रखूंगी और उसका वेट लूंगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पोजिशन बनाई है ए सेंटर, देन बी सी डी एंड ई, और 1 gram का वेट लिया है. ये उस वेट की आईडी है और ये डिस्प्ले वेट्स हैं, राइट? इधर क्या है? डिस्प्ले वेट्स हैं. तो सेंटर से मेरे डिस्प्ले वेट जो अलग पोजीशंस पे हैं उनमें कितना डेविएशन है वो मुझे चेक करना है. वो कैसे चेक होगा? सेंटर वेट माइनस ऑब्जर्व वेट इनटू 100 अपॉन सेंटर वेट. वो वेट कितना होना चाहिए? लेस देन 0.05% होना चाहिए वो वेट. तो मेरी असेंट्रिसिटी को सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेटिस्फेक्ट्री होता है. तो दिस इज द टेस्ट ऑफ असेंट्रिसिटी. नाउ रिपीटेबिलिटी. इन द केस ऑफ रिपीटेबिलिटी वी ऑलरेडी डिस्कस, सेम हियर. रिपीटेबिलिटी पीक्यू में भी करना पड़ता है. वही 10 वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए. स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना चाहिए. वही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है 0.41 d से तो ये फार्मूला लगेगा, अगर कम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में ज़रा 0.41 d आ जाएगा. तो दिस इज द टेस्ट ऑफ रिपीटेबिलिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिटिकल बैलेंस इन ए वेरी शॉर्ट वे. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. इन अदर वे एनी क्वेरी एंड एनी थिंग एल्स यू कैन राइट मी ऑन माई मेल आई डी. आई विल ट्राई इन ए वेरी शॉर्ट वे.
सो वी विल मीट अगेन विद अनदर टॉपिक. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे इन कंप्लायंस, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर.